नीमच जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब कोरोना के 48 और नए मरीज निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव केसों की संख्या नीमच में बढ़कर 412 हो गई है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी नीमच लैब, रतलाम लैब और पोरवाल लैब से कुल 1372 सैंपल्स की रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें 48 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें नीमच क्षेत्र के 12, मनासा क्षेत्र के 16 और जावक क्षेत्र के 13, पालसोड़ा क्षेत्र के 7 संक्रमित शामिल है। ऐसे में अब जिले में कुल 412 कोरोना संक्रमित एक्टिव केस बने हुए हैं। कोरोना की वजह से जिले में 86 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन द्वारा की गई है। इसी के साथ ही कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 98 है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आमजनों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और टीका लगवाने की अपील की है।